श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सावधान, मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है, जैसे कोई अनिष्टकारी शक्ति हमारी ओर आ रही हो। आकाश से गिरते शिलाखंड, ये आकाश से ऐसे शिलाखंड कैसे आ रहे हैं? यह अवश्य ही राक्षसी आक्रमण है, सावधान हो जाओ सभी। नहीं सखा नील, इन शिलाओं पर तो राव और मां लिखा है, अर्थात प्रभु श्री राम का नाम, संकट नहीं। प्रतीत होता है हनुमान ने हमारी सहायता के लिए शिलाएं भेजी हैं। परंतु इतने तीव्र वेग से ये हमारी ओर आ रही हैं, हम इन्हें कैसे संभालेंगे, कैसे एकत्रित करेंगे, कहीं ये हमें ही ना कुचल दें। चिंता मत करिए आप लोग, मैं हूं ना मित्र नल, इन्हें छू भर दो जिससे ये सेतु का भाग बन जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्र हनुमान, तुम्हारी सहायता से दुष्कर कार्य भी सरल बन जाते हैं। इन शिलाखंडों से देखो कितने विस्तार से कार्य हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नागराज वासुकी के आकार के समान इस विशालकाय सागर पर हमारा सेतु मात्र एक वानर की पूंछ के समान प्रतीत हो रहा है। इतना कार्य शेष है, कैसे पूर्ण करेंगे हम महाराज? इन छोटी शिलाओं से कुछ नहीं होगा, लंका तक पहुंचने के लिए तो मेरु पर्वत जैसी विशालकाय शिलाओं की आवश्यकता होगी। हतोत्साहित ना हो मित्रों, प्रभु श्री राम की कृपा से हम अवश्य सफल होंगे, आप बस कार्यरत रहिए। यदि मेरु पर्वत के समान विशाल शिलाएं चाहिए तो मैं वो भी शीघ्र उपलब्ध कर दूंगा। विशाल मेरु पर्वत के समान शिलाओं की आवश्यकता है नल को। परंतु अन्य विशाल शिलाओं को ढूंढने का समय नहीं है हमारे पास। इस दिव्य और विशाल मेरु पर्वत को ही अपने साथ ले चलता हूं। हे मेरु पर्वत, प्रभु श्री राम के कार्य में तो भागीदार बनना सबका सौभाग्य है, इसीलिए आप मेरे साथ चलने की कृपा करें, मैं उठाता हूं आपको। जय
रहे हैं हनुमान। मेरु पर्वत तो सृष्टि की समस्त पावन ऊर्जा का स्रोत है। हनुमान ने उसे विस्थापित किया तो पृथ्वी हिल जाएगी, तप और धर्म के कार्य थम जाएंगे, स्वर्गलोक भी डोल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवराज, हमें शीघ्र ही हनुमान से जाकर याचना करनी चाहिए कि वो रुक जाएं, मेरु पर्वत को अपने स्थान से ना हिलाएं। राम काज में रथ है, वो किसी की याचना नहीं सुनेंगे। हनुमान, आपका कथन सर्वथा सत्य है अग्निदेव। हमें शिष्य रचयिता प्रभु ब्रह्मा जी से विनती करनी होगी। अब तो हनुमान को रोकने में वही हमारी सहायता कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। माता, सुना है आपके स्वामी प्रभु श्री राम की सेना ने समुद्र के उस पार सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आप इतना सुखद समाचार इतने चिंतित स्वर में क्यों दे रही है त्रिजटा? लंकेश रावण ने उनके कार्य में बाधा डालने के लिए अति भयंकर राक्षसी मत्स्या के साथ अपराजी राक्षस भस्मलोचन को भेजा है। सावधान, मुझे पुनः किसी अनिष्ट का आभास हो रहा है। माता, मत्स्या के अनगिनत दंत हैं जिनसे कोई सुरक्षित नहीं रहा। ये भूकंपन कैसा, जिसने हमारे सेतु को हिला दिया? क्या ये सेतु स्पंदन सागर के जल की तरंगों के कारण हुआ? नहीं युवराज अंगद, सेतु निर्माण पूर्ण होने तक समुद्र देव अपनी तरंगों को नियंत्रण में रखेंगे। मुझे तो ये किसी राक्षसी शक्ति का प्रभाव प्रतीत होता है। नील, तुम ठीक कह रहे हो, सागर के अंदर एक राक्षसी है जो जल के भीतर रहकर हमारे सेतु को नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है। रोकना होगा हमें, इस राक्षसी को रोकना होगा। हाँ। इससे पूर्व कि हमारा सेतु नष्ट भ्रष्ट कर दे। मैं अभी इस दुष्ट राक्षसी को रोकने का उपाय करता हूं। ना जाने हनुमान जी कहां रह गए। जय श्री राम। ब्रह्मदेव, हे प्रभु ब्रह्मदेव, हनुमान के हाथों अनर्थ होने जा रहा है। स्वर्ग और सृष्टि के रक्षा के लिए आपको हनुमान को रोकना ही होगा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं हनुमान, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम सबका संहार करूंगा। भस्मलोचन तो अपने दृष्टि प्रहार से विशाल नगरों को क्षण भर में भस्म कर देता है। मुझे भय है कि ये दोनों अपने तीक्ष्ण प्रहारों से वानर सेना को अत्यधिक क्षति न पहुंचा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी सेना का कोई अहित नहीं होगा, और जहाँ स्वयं संकट मोचन हनुमान हो वहाँ तो कोई संकट आ ही नहीं सकता। वानर वीरों, प्रहार करो इस राक्षस पर। हाँ
दूंगा मैं सब कुछ, निष्फल कर दूंगा मैं तुम्हारे समस्त प्रहार। भस्म लोचन हूँ मैं। सेतु कमल में बढ़ रहा है, बचाओ और भागो। दोनों ओर से राक्षसी प्रहार हो रहे हैं, बचाओ मित्रों, बचाओ मित्रों। हनुमान कहाँ है? इन राक्षसों को वही रोक सकते हैं। पुत्र हनुमान, मेरु पर्वत को अपने स्थान से हटाने का प्रयास मत। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। प्रभु मुझे मत रोकिए, राम काज पूर्ण करने हेतु मुझे ये दिव्य पर्वत अपने साथ ले जाने दीजिए। हनुमान, मेरु कोई साधारण पर्वत नहीं है पुत्र। यदि तुमने इन्हें अपने स्थान से हिलाने का प्रयत्न किया तो संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी, सब ऋषियों की तपस्थली खंडित हो जाएगी, गंधर्व और यक्षों का निवास स्थान नष्ट हो जाएगा, स्वर्ग और देवगण भी संकट में आ जाएंगे पुत्र। प्रभु, राम काज पूर्ण होने से भी तो सृष्टि में धर्म की स्थापना होगी, इसीलिए मुझे विश्वास है ऋषिगण, देवगण, गंधर्व, यक्ष सभी राम काज हेतु त्याग करने के लिए तत्पर होंगे। मेरु पर्वत का विशाल आकार सागर तट और लंका के मध्य की दूरी को पाट देगा, इसीलिए मेरा इनको लेके जाना अति आवश्यक है प्रभु, जिसके लिए वन देवी की अनुमति और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त है मुझे। अब इसे लेके जाने से मुझे प्रभु श्री राम के सिवाय अन्य कोई नहीं रोक सकता प्रभु। मूर्ख नर और वानर, इस संसार में कोई नहीं है जो मुझ भस्म लोचन से तुम्हारी रक्षा कर सके। इस सेतु के साथ साथ तुम्हें भी भस्म कर दूंगा, राख बना दूंगा तुम सबको। वानर वीरों, छिप जाओ इसके प्रहारों से, अपनी रक्षा करो। छिप जाओ, जो मिले उसे मार करो, इस राक्षस पर मारो, इस दुष्ट को वार करो, इस दुष्ट पर। भस्म लोचन पर वार, वानरों अब करो अपनी रक्षा। यदि प्रभु श्री राम ही तुम्हें रोक सकते हैं तो मैं अभी तुम्हारे समक्ष उनके दर्शन करवा दूंगा। ब्रह्मदेव, आपने मेरे प्रभु श्री राम के भव्य स्वरूप के दर्शन कराकर इस भक्त को कृतार्थ किया है, परंतु ये भक्त विवश है, रुक नहीं सकता मैं, मेरु पर्वत अपने साथ लिए बिना नहीं लौट सकता मैं। हे नारायण, श्री राम आपके अंश एवं आपके अवतार, अतः आप ही हम सबको इस संकट से उबार सकते हैं। राम कार्य के प्रति हनुमान की ऐसी अटूट निष्ठा है कि वो श्री राम के सिवाय किसी और का आदेश नहीं मानेंगे, परंतु अपने नर रूप की मर्यादा के कारण श्री राम वहां नहीं जा सकते, इसीलिए
मुझे ही श्री राम के रूप में हनुमान के पास जाना होगा। प्रभु ब्रह्मदेव उचित कह रहे हैं हनुमान, सृष्टि के संतुलन का आधार है मेरु पर्वत, उनको अपने स्थान से हिलाना अनुचित होगा। वैसे भी इस समय आपको सेना के समीप होना चाहिए, उनको आपकी आवश्यकता है। हनुमान, वानर सेना संकट में है, उनकी रक्षा कीजिए। हमारी वानर सेना संकट में है, मुझे शीघ्र उनकी सहायता के लिए जाना होगा। मेरे भस्म करने वाले प्रहारों से तुम अपना बचाव नहीं कर सकोगे। नष्ट हो रहा ये सेतु, अब हमारे प्राण संकट में है, हमारी सहायता करिए। ये कैसा सुरक्षा चक्र उत्पन्न कर दिया इस नर ने, जिस पर मेरी दृष्टि प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा है, और तीव्र प्रहार करूंगा मैं। सागर तल में छिपी इस राक्षसी के निरंतर प्रहारों को हमें निरस्त करना होगा। हनुमान अभी उस राक्षसी का अंत करेगा भ्राता लक्ष्मण। हे सागर में विचरण करने वाले प्राणियों, मैं हनुमान आप लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु हम वानरों को राम काज पूर्ण करने के लिए लंका जाना है, इसीलिए हमने इस सेतु का निर्माण किया है। कृपया करके इसमें कोई बाधा मत डालिए आप सब। तुम्हारा निवेदन व्यर्थ है वानर, मैं लंकेश रावण के आदेश का पालन करूंगी, खंडित कर दूंगी इस सेतु को। सखा, राम काज में कोई बाधा सहन नहीं करेगा हनुमान, अभी मैंने विनम्र निवेदन किया था, अब मेरा शक्ति प्रदर्शन भी देखो। काज में जो व्यवधान बनेगा वो मुझसे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाएगा। मूर्ख वानर, मुझसे टकराकर छिन्न भिन्न हो जाओगे तुम। समाप्त कर दूंगा, भस्म कर दूंगा मैं तुम सबको। कहा था ना मैंने छोड़ूंगा नहीं तुम सबको।
वानर, मेरे दंत करेंगे तुम्हारा अंत। छोड़ो छोड़ो मुझे दुष्ट वानर। हनुमान ने तुम्हें चेतावनी दी थी परंतु तुम रुकी ही नहीं। नहीं, हनुमान तुम्हें सेतु को और क्षति नहीं पहुंचाने देगा। अटल आस्था, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हो तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाते हैं। उनके मार्ग में बुराई की शक्तियाँ कितने भी अवरोध क्यों न डालें, वो दूर हो ही जाते हैं।